Hey guys, I hope you're having a good day today. Now we will learn still life in oil pastel. और ये मीडिया आपको जाना पहचाना है तो ज्यादा इजी लगेगा. Let's start. जब भी हम लोग ऑब्जेक्ट को कलर करना स्टार्ट करते हैं तो पहले उसका ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है. और जबकि ये हमने यूज़ किया हुआ मीडिया है बचपन से तो ये काफ़ी इजी जाएगा आपको. तो जैसे दिख रहा है ऑब्जेक्ट, जैसे दिख रहा है वैसे उसको करते जाना है. हम बचपन में जब छोटे ड्राइंग सीखते हैं तो इस तरह से सीखते हैं कि जैसे होता है वैसे हम लोग ड्राइंग करते हैं और उसका कलरिंग करते हैं. लेकिन अभी हम लोगों को आगे रखे हुए मॉडल का ऑब्जर्वेशन करके जैसे दिख रहा है वैसे उसको फॉलो करना है. हर एक ऑब्जेक्ट का मटेरियल टेक्सचर अलग रहेगा तो वो मटेरियल और उसके टेक्सचर का इफेक्ट आने के लिए शेड एंड लाइट करना और जैसे दिख रहा है वैसे करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है. थोड़ा सा बैकग्राउंड का कलर देने से ऑब्जेक्ट का इफेक्ट हमें थोड़ा समझने के लिए उसकी हेल्प हो जाएगी.
इसलिए मैंने थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड का कलर भी दे दिया है। उस हिसाब से उसके ऊपर जो है बैकग्राउंड के चीज़ों का रिफ्लेक्शन उसके ऊपर आ जाता है, तो वो सब इफेक्ट जो है रिफ्लेक्शन का इफेक्ट, वो हम एज इट इज जब कॉपी करेंगे तभी उसका मटेरियल का फुल पेंटिंग में आएगा। स्टील इफेक्ट, ग्लास इफेक्ट, मेटल इफेक्ट, ऐसे इफेक्ट जब हम लोग करते हैं तो सराउंडिंग में जो चीज़ें जो कलर्स हैं उसके रिफ्लेक्शन उसके ऊपर आ जाते हैं, इसीलिए उसका ऑब्जर्वेशन करना बहुत ज़रूरी है। ऑयल पेस्टल में हम लोग जब काम करते हैं तो डार्क टू लाइट करना पड़ेगा, जहाँ पे पैचेस कट टू कट दिख रहे हैं वहाँ पे हमें कट टू कट पैचेस रखने हैं, और जहाँ पे मिक्सिंग दिख रहा है सॉफ्ट शेडिंग दिख रहा है वहाँ पे हम कलर को मर्ज करेंगे। हार्ड एकदम स्ट्रॉन्ग डार्क एंड उसके पास में एकदम स्ट्रॉन्ग लाइट कलर आपको दिखाई देगा, या बैकग्राउंड की जो भी कलर्स है वो भी एकदम स्ट्रॉन्गली उसमें रिफ्लेक्ट हुए आपको दिखाई देंगे। लाइट रिफ्लेक्शन, लाइट, ये सब आने से आपका ऑब्जेक्ट जो है 3D दिखेगा। धीरे धीरे हमें डिटेल्स बढ़ाते जाना है, एक एक पार्ट हम लोग क्लियर करते जाएंगे। कलर के मिक्सिंग के लिए मैं फिंगर का यूज कर रही हूँ, या तो थोड़ा सा क्लॉथ के साथ भी हम लोग मिक्सिंग कर सकते हैं एकदम आसानी से, तो आपके हाथ खराब होने के चांसेस थोड़े कम रहेंगे। आपको अभी थोड़ा सा इफेक्ट लग रहा होगा, ग्लॉसी इफेक्ट आ रहा है पेंटिंग में, क्रेयॉन्स के कलर को यूज़ करने के बाद एक अलग सा टेक्सचर आ जाता है, और उसको मिक्स करने के लिए मैं हर बार, आप देख रहे हैं कि कलरिंग के बाद उसको कलर को एप्लीकेशन करने के बाद उसके ऊपर से मैं थोड़ा सा उसको मर्ज कर रही हूँ ताकि उसका फिनिशिंग ज़्यादा अच्छा दिखे। धीरे धीरे मैं और भी थोड़ा सा हाईलाइट, आप देख रहे हो पहले हाईलाइट डाल के मैं उसको स्प्रेड कर रही हूँ, और फिर जो हाईलाइट और ज़्यादा कट टू कट देने की कोशिश कर रही हूँ ताकि उसका जो है लाइट और ग्लॉसी इफेक्ट ज़्यादा उभर के आए। जहाँ पे मिक्सिंग दिख रहा है वहाँ पे फिंगर के साथ मैं मिक्सिंग कर रही हूँ,
डिटेल्स का ऑब्जर्वेशन करके आपको डिटेल्स बढ़ाते जाना है, कहाँ पे हाईलाइट, कॉर्नर पे, सभी जगह पे जो है कॉर्नर जितना भी है वहाँ पे हाईलाइट पड़ेगा। जो पॉट का नीचे का राउंड शेप है वहाँ पे नीचे बिछाई हुई ड्रेपरी का रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है, तो उसको मैं करने की कोशिश करूँगी। बहुत सारे बैकग्राउंड के कलर्स का रिफ्लेक्शन इसमें दिख रहा है, तो उस तरीके से मैं कलर को यूज़ करने की कोशिश कर रही हूँ। धीरे धीरे आपको डिटेल्स जो है बढ़ाते जाना है। आप देख रहे हैं कि पॉट का जो इफेक्ट है काफी ग्लॉसी आ रहा है, उसके ऊपर का डिजाइन और हैंडल का डिज़ाइन बहुत ही नाजुक है, और क्रेयॉन्स के साथ या ऑयल पेस्टल के साथ वो करना थोड़ा सा हार्ड जा सकता है, क्योंकि इतना नाजुक सा काम क्रेयॉन्स के साथ करना थोड़ा सा हार्ड हो सकता है, लेकिन हो सकता है। हाईलाइट का काम करने के बाद आपका ऑब्जेक्ट बहुत ही ज्यादा ग्लॉसी लगेगा। ये जो ड्रेपरी है नीचे का ये लाइट कलर का है, तो उसमें ज़्यादा डार्क कलर का शेड नहीं दिखेगा, सिर्फ जो टिप पार्ट है वहाँ पे मैं थोड़ा सा ब्लैक कलर यूज़ कर रही हूँ, बाकी सब लाइट ग्रे और लाइट लेमन येलो और वाइट कलर का काम आपको दिखाई देगा। जितना भी थोड़ा बहुत डार्क दिख रहा है वहाँ पे मैंने सिर्फ डार्क ग्रे और ब्लू थोड़ा सा यूज किया है। सिल्क का ड्रेपरी है और उसके ऊपर थोड़ा सा टेक्सचर है, तो उसको एज इट इज करने से उसका इफेक्ट अच्छा आपको दिखेगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने एज इट इज करने की कोशिश की है, जितना ज़्यादा हो सके उतने डिटेल्स आपको करने हैं। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको अच्छा रिजल्ट मिलता जाएगा। Enjoy this video, then share with your friends and
If you learn something new, subscribe for more. Signing out for now. Bye.